नीमच जिले के रामपुरा थाने पर आज आदर्श हिंदू सेवा समिति के अध्यक्ष अजय खुराना एवं पत्रकार साथी फिरोज गोरी एवं आम जनता के साथ आवेदन देने की बात को लेकर रामपुरा थाना प्रभारी आरसी डांगी ने दुर्व्यवहार किया एवं उन्हें कारागार में भी बंद कर दिया। जानकारी अनुसार रामपुरा में स्थित मदार बाग में रहने वाले मुबारक मंसूरी के घर पर लगने वाले टॉवर को लेकर मोहल्ले के लोगों द्वारा कई समय से आपत्ति ली जा रही थी, परंतु जब उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई तो आज मोहल्ले की कुछ महिलाओं के साथ पत्रकार साथी एवं सामाजिक कार्यकर्ता अजय खुराना थाने पहुंचे। जब उन्होंने थाना प्रभारी से बात करना चाही तो थाना प्रभारी द्वारा उनकी बात न सुनकर उनके साथ दुर्व्यवहार एवं सामाजिक कार्यकर्ता एवं पत्रकार साथी के साथ अन्य लोगों को भी कारागार में डाल दिया गया। जब जनप्रतिनिधि एवं मीडिया वहां पहुंचे तो उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता खुर्राना को बाहर निकाल दिया, परंतु अन्य लोगों को कारागार में ही रखा। जब मामला जिला SP तक पहुंचा तो मनासा SDOP संजीव मूले रामपुरा थाने पर पहुंचे। जब इस बात को लेकर मीडिया द्वारा जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से बात करी तो आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। मदार बाग में मोबाइल टावर को लेकर के दो पक्षों में आपस में अपने घर में लगवाने की बात को लेकर के विवाद हुआ है। मुबारक खान के यहाँ पर विधिवत अनुमति के साथ में कंपनी का टावर के लिए गड्ढे वगैरह खुदवाई के चल रही थी। कल भी छोटा मोटा उनका कहासुनी हुई थी। आज उसी सिलसिले में पुलिस मौके पर गई थी, जहाँ पर जो है फरियादी मुबारक को उसके लड़के साथ में अनावश्यक पक्षों द्वारा विवाद किया है। पुलिस मौके पर गई, जांच कर रही है, पूछताछ उसमें चल। हाँ, वो शायद उसमें वो भी होंगे उसमें, किसी को यहाँ जानते नहीं हैं पुलिस को, ना उन्होंने बताया। तो वो उन लोगों के साथ अनावश्यक आवेदक के साथ में आए होंगे, उनको भी समझा दिया कि वो कंपनी का जो टावर है वो विधिवत अनुमति के साथ में नगर पालिका की अनुमति है, कलेक्टर साहब की अनुमति है, उसके बाद में कंपनी वहाँ मुबारक खान के घर में टावर लगाने का कार्य कर रही है। उनको अवगत करा दिया है और अनुमति की कॉपी भी उनको उपलब्ध करा दी है। यदि आपको उनको बताया गया कि यदि आपको कहीं बाहर उस चीज़ से आपत्ति है तो संबंधित न्यायालय में उसके लिए रुकवाने के लिए जाए, तो वहाँ से स्टे ऑर्डर लेकर आए तो अपन उसमें उनको समझा देंगे, बता देंगे भाई कि इसमें रुकावट लग गई। भारतीय इंफोटेल कंपनी में मैंने एक आवेदन किया था एयरटेल का टावर लगाने के लिए। कंपनी द्वारा मेरा आवेदन स्वीकार किया गया और कंपनी के द्वारा विधिवत कलेक्टर महोदय से अनुमति प्राप्त की। उस आवेदन NOC पे हमारे घर पे निर्माण कार्य चल रहा था। 25/11/2019 को मोहल्लेवासी द्वारा ट्रैक्टर को रोका गया, मिट्टी धोने के लिए वो आया था, कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उसको भगा दिया गया। उसके बाद आज 26/11/2019 को 12 बजे वो मजदूर छुट्टी पे गए, मेरे दोनों लड़के घर पे थे, उनके साथ मोहल्लेवासी द्वारा मारपीट की गई, जिसकी हमने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। तो उनको आपत्ति किस लिए, मोहल्ले वालों को और जमात को? मोहल्ले वालों को आपत्ति इस बात की कि रेडिएशन फैलेगा, जमात को भी तो पीछे स्कूल बताते पीछे स्कूल है, तो ये विषय कंपनी का है। वैसे हम तो NOC के कलेक्टर महोदय की NOC का निर्माण कार्य चालू किया था कंपनी द्वारा, और मेरे घर में टावर का निर्माण कार्य चल रहा था। हम सब थाने में आ गए, फिर वो कब आ गए? वो तो भगा दिया उसके, सबको भगा दिया और हमको पकड़ लिया, और जिसने मारा उसको अंदर रख रखे, और जिसने मारा भी अंदर कर दिया। स्वागत कर रहे हैं, चाय पानी नाश्ता हो रहा है, चाय पानी पिला रहे हैं, जैसे कुछ दे दिया उन्होंने, राजनीति की चाल में उन्होंने काम करवा लिया अंदर ही अंदर, और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वहाँ भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, नगर पालिका गए वहाँ से हमको धक्के दे के भगा दिया, यहाँ आते हैं तो यहाँ भी हमारी टाई बेइज्जती कर रहा और हमको भगा रहा है यहाँ से, बाहर निकलो। हमारा तो बिल्कुल मार दिया, छोरे को भी गवाह सबूत के साथ उसे खून निकल रहा, आदमी धक्का दे दिया, और ये चोरा उसका मेडिकल तो नहीं करवाया, उस बच्चे को अंदर कर रखा, अंदर कर दिया वो चोरा, उसका गुंडागंडी करे, हमारे तो एक ईंट की दीवार है, और हम कूद कन कन पर भरा, ये चाहते हैं यहाँ लगवाना टावर, और हमारा साथ बोल रहा है लगाएंगे, और मेरे तो सब है, मेरे कब्जे में सब, तुम्हारा तो हो जाएगा। कलेक्टर मैंने खरीद लिए, बोल रहा है वो की मेरा सब कब्जे में है।
और लगाऊंगा मैं टावर, और तुम्हारे में जो जोर है जो लगा लो तुम। और अतिक्रमण की जमीन, सबसे पहले आदरणीय मोदी से मैं बोलती हूँ कि सबसे पहले उसकी मकीन की जमीन की उसकी नप्ती कराई जाए, क्योंकि उसने अतिक्रमण पीछे मकान बना रखे। सबसे पहले उसके घर का नक्शा निकलाया जाए और उसके घर की नप्ती कराया जाए। आधी जमीन हमारी दाब रखी, उसने जमीन दबा रखी, उसने उसको कोई कुछ नहीं बोल रहा, सब उसके तरफ बोल रहा। और गच्ची पे खड़ा होकर हमको गंदी निगाह से देखता है और सीटें बजाता है। ये जो है बहुत बर्बरतापूर्वक जो है कार्रवाई की गई है। अब मान लीजिए अगर कोई टावर को लेके यदि उससे जो निकलने वाली जो एनर्जी होती है उससे जो बच्चों में दुष्प्रभाव होता है उसको लेके कुछ लोगों ने अपना विरोध जताया था, और प्रशासन ने जो है बर्बरतापूर्वक जो है दबाव बनाकर जो है उस विवाद उसमें उन लोगों के साथ जो व्यवहार किया वो ठीक बात नहीं है। और बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे आदर्श हिंदू सेवा समिति के अध्यक्ष या मार्केटिंग सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष हैं, व्यापारी संघ के अध्यक्ष हैं, उनके साथ पुलिस ने जो बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया या दुर्व्यवहार किया है वो जो है निंदा के काबिल है। और इस लड़ाई को हम लंबी लड़ाई लड़ेंगे, बाकी लोगों से और वरिष्ठ लीडरों वरिष्ठ नेताओं से भी बात हुई है। और अगर इस तरह से अगर व्यवहार अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर हमारे लोगों के साथ अगर होता है तो इसका जो है हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। पुलिस की गाड़ी वहाँ आई, मेरे पड़ोस में इनका मकान है, मैं यहाँ था ही नहीं 2 दिन से। अब ये हुआ कि जैसे उन सब मोहल्ले वालों ने कहा तो मैं भी जैसे बाहर आया तो पुलिस गाड़ी, अब वो क्या सबको वो थाने चलो रिपोर्ट डाली आपके खिलाफ़, क्या हुआ तो कि वो मारपीट करी, मारपीट वगैरह कुछ भी नहीं हुई, झूठी रिपोर्ट डाली। किन्ने डाली? किन्ने डाली? वो भी दूसरे हमारे खिलाफ़ नहीं डाली, तो वो ये पुलिस वाला आया तो मैंने उनसे ये बात करी, मैंने कहा साहब क्या हुआ, पूरा गांव पूरा मोहल्ला विरोध कर रहा है, पूरा गांव विरोध कर रहा है, स्कूल का पीछे है वो विरोध कर रहे हैं। अब जो है उसके बाद में भी वो ने फिर एक बात है, जिसने मारपीट करी मौका मुआयना देखो जिसके लगी हुई है उसके खिलाफ़, तो जिसने मारपीट करी उसके खिलाफ़ तो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं ना, जिनके खिलाफ जिनने कुछ नहीं किया उनको कह रहे हैं कि थाने में बुलाया है। तो मैंने कहा भाई आप क्या गाँव में व्यवस्था खराब करना करवाना चाहते हैं, दंगा करवाना चाहते हैं क्या, ये मन है क्या? थाने आप जब थाने में आए तो थाने में आपके साथ कैसा व्यवहार किया? मेरे साथ धक्का मुक्की की साहब, क्यों साहब ने क्यों करी? बस यही मैंने जैसे उनसे यही कहा साहब, मैं निवेदन कर रहा था श्रीमान जी, एक तो मतलब अतिक्रमण की जमीन पर टावर लगा रहा, अब एक जैसे कि मान लो इनने भी ये नई दुनिया के पत्रकार हैं, इनने पूछा भी वर्जन दो कि भाई आपको कलेक्टर की अनुमति है अनुमति दो, तो वो कोई सुनने को तैयार नहीं था, और अनशंड बोलने को बोल रहे हैं कि तुम कौन होते हो मतलब ये वर्जन लेने वाले हैं और हड्डे तोड़वा दूंगा तुम्हारे। मैंने कहा श्रीमान हम सभ्य आदमी हैं, किस हमारा क्या अपराध है जो आप हमारा हड्डे तोड़वा देंगे ये बताइए। किसने कहा ये बात? ये टीआई साहब ने बोला कि आपके हड्डे तोड़वा देंगे। मैंने कहा साहब हमने हमारा अपराध तो बताइए, आपके ये अपराध किया इसलिए आपके हड्डे तोड़वा ही देंगे कि बंद कर देंगे है, वो कोई सुनने को तैयार नहीं। आज ये रामपुरा में मदारवाड़ा क्षेत्र में भारतीय इंफ्राटेल कंपनी का एक टावर लग रहा है, तो उस संबंध में वहाँ पर काम चल रहा था, उस बात को लेके मोहल्ले वालों का विरोध था कि इससे प्रदूषण वगैरह फैलेगा, रेडिएशन वगैरह का इस तरह का, तो उस कारण वहाँ पर जहाँ टावर लग रहा था वहाँ पर जाकर कुछ लोगों ने काम रोकने का प्रयास किया और उस बात पर विवाद हुआ था। उस विवाद पर दोनों पक्ष थाने पर आए थे, थाने पर आने के बाद अभी उन लोगों की रिपोर्ट लेके बयान जांच में रखा गया है मामला, और इसकी भी जांच की जा रही है कि ये जो अनुमति वगैरह मिली है वो वैध है नहीं है, और जाँच के बाद ही उसमें इस बारे में यहाँ आने के बाद जानकारी मिली थी, काफ़ी भीड़ आ रही थी और मोहल्ले के नाते भी वो बुजुर्ग व्यक्ति आए हुए थे, तो भीड़ में को डिस्पर्स करने की बात को लेके जो पुलिस का जो नेचर रहता उस पर बात हुई थी, और उसमें आपसी समझ में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी, उस बात को लेके थोड़ा सा विवाद हुआ था जो बाद में आपस में चर्चा करके सुलझा दिया। रामपुरा से अजय सिंह सिसोदिया के साथ शेख इशाक की रिपोर्ट।